जम्मू कश्मीर में शहीद पुलिस कांस्टेबल खुर्शीद अहमद को आखिरी विदाई दी गई। कांस्टेबल खुर्शीद अहमद घर से ऑफिस जाने के लिए निकले थे। घर से कुछ ही दूरी पर आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ खुर्शीद का अंतिम संस्कार किया गया। महाराष्ट्र के मनमाड़ में सेल्फी लेने के चक्कर में 3 स्कूली छात्रों की जान चली गई, जबकि 2 को बचा लिया गया। 10वीं के ये सभी छात्र जन्मदिन मनाने पाझर तालाब गए थे। सेल्फी लेने के दौरान ये तालाब में गिर गए। बिहार के जहानाबाद में दरगाह नदी में डूबने से 2 छात्रा की मौत हो गई, जबकि 4 छात्राओं को गांव वालों ने बचा लिया। ये घटना गोपालपुर गांव की है। सभी छात्राएं कोचिंग से लौटते वक्त नदी पार कर रही थी। बिहार के रोहतास जिले में तेज रफ्तार बुलेरो ने 2 छात्रों को कुचल डाला। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्यूशन पढ़कर दोनों छात्र साइकिल से अपने घर लौट रहे थे। मौके पर पहुंचे गांव वालों ने हंगामा कर सड़क को जाम कर दिया। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश से लामबगड़ में भूस्खलन हो गया, जिससे बद्रीनाथ मार्ग बंद हो गया है। पहाड़ से लगातार मलबा गिरने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर लोगों की जान पर बनाई है। लोग पैदल ही सफर कर रहे हैं। हरियाणा के हिसार में आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का सम्मान समारोह होने जा रहा है। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सम्मान समिति का दावा है कि समारोह ऐतिहासिक होगा और समारोह को लेकर लोगों में इतना उत्साह है कि ये कार्यक्रम एक विशाल रैली रूप अख्तियार करने जा रहा है। बिहार के भागलपुर के नवगछिया जेल में अचानक बाढ़ का पानी घुस जाने से जेल कैदियों को आनन फानन में भागलपुर में शिफ्ट कराया गया। जेल में 5 महिला सहित 200 कैदी हैं। झारखंड में नक्सलियों की मनोदशा बदलने के लिए पुलिस के सहयोग से एक फिल्म रिलीज की गई है। प्रत्यावर्तन नाम की फिल्म 82 लाख रुपए की लागत से बनी है। फिल्म की कहानी पूर्व DGP राजीव कुमार ने लिखी है। झारखंड में ये फिल्म खूब पसंद की जा रही है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 108 एम्बुलेंस मोबाइल ऐप सेवा की शुरुआत की गई है। इस ऐप के जरिए राज्य में कोई भी 108 एम्बुलेंस को घर बैठे बुला सकता है। राज्य सरकार ने इस ऐप को शिमला में लॉन्च किया है। हिमाचल में भारी बारिश से मंडी और कुल्लू की नदियां उफान पर हैं। कुल्लू की सरवरी नदी में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, वहीं लारजी बांध में बिजली उत्पादन ठप हो गया है।